कदीर मूव। सलाम बाबा सरकार, सलाम। और अहमद अली, तुम्हारी सेल बड़ी है कि नहीं? बाबा सरकार, पूरे 10 लाख का माल बेचा है, कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज नहीं छोड़ा। अब तो स्टूडेंट्स मक्खियों की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। नौशी, ये 10 लाख का 10% 1 लाख रुपया इसको दे दो। रहमत को अब 20 लाख का माल और दे दो। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम बाबा लोग। वालेकुम अस्सलाम। आओ मूसा खान, क्या हाल है? मैं तो ठीक है, मगर उधर बॉर्डर का हालात बहुत खराब है, बहुत सख्ती है। बड़ी मुश्किल से ये 50 लाख का माल लाए। बाशी, माल चेक कर। एक नंबर का माल है, अब तो हम इंतकाम लेगा। इंतकाम? किस बात का इंतकाम शेर खान? ये जो इधर का हुकूमत है ना, हम लोगों को जबरदस्ती यहाँ से निकाला गया है। हमारी पूरी कौम को बहुत गुस्सा है इन पर। लाले, तू माल ला और माल कमा, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। नौशी, इसके अकाउंट में 50 लाख रुपया ट्रांसफर कर दो। ठीक है भाई। तुम लोग चारों तरफ से पुलिस के घेरे में आ चुके हो। अगर किसी के पास कोई हथियार है तो फेंक दो और अपने आप को सरेंडर कर दो। काशी बाबा, बाहर पूरी पुलिस फोर्स आई है। इम्पॉसिबल, पुलिस यहाँ कैसे आ गई? 2 साल से इस जगह पर किसी परिंदे ने पर नहीं मारा, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये गद्दारी किसने की है? रहमत अली, ये काम कहीं तूने तो नहीं किया? अस्तग़फ़िरुल्लाह। आशी बाबा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम बताओ शेर खान, कहीं ये गद्दारी तुमने तो नहीं की? हम मर तो सकते हैं, लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, तुम सब लोग शराफत से बाहर आ जाओ, वरना तुम हर नुकसान के जिम्मेदार होगे। कोई हथियार नहीं डालेगा, हम करोड़ों के इस्तेमाल का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे सारी पुलिस क्यों ना मारनी पड़े। फायर। सामने आए देश का सिपाही है, इससे कौन टकराए? इसमें है दम जो इसके सामने आए देश का सिपाही है, इससे कौन टकराए? झुकता नहीं ये किसी के भी आगे, पाक सर जमीन का ये है नौजवान। नशे के फैलाव से इसको परेशानी है, नस्लें नो बचानी है, बात यही ठानी है, अपने वतन पे करता ये जान सार है, सीने पे हर बार सहने को तैयार है, आया है तो